नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड वेट टिप्स पे। आज हम मोमोज बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं मोमोज बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैदा 1 कप, फिर मैंने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी 1, फिर 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक मैंने घिस लिया है, और ये हरी धनिया, इसको मैंने धो के काट लिया है बारीक, ये सादा नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए अपना जो हमारा मैदा हमने लिया है पहले उसे गूंथ लेते हैं। सबसे पहले हम मैदे में नमक डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे गूंथ लेंगे। पानी डाल के इसे, याद रखिए हमें ये जो हम दो गूंथेंगे उसको हमें टाइट गूंथना है। अब देख सकते हैं हमारे मैदे का डो अच्छे से गुथ चुका है, और ये हमने टाइट ही गूंदा है थोड़ा। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे साइड में रख देना है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं हम। सभी सब्जियों को हमने कद्दूकस कर लेना है। चलिए कद्दूकस कर लेते हैं सब्जियों को अपनी। सबसे पहले अपनी गाजर, ये मैंने धो के छील के रखी थी। मैं इसमें गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आपको जो सब्ज़ी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च ना डालें, वैसे इसमें पत्ता गोभी और गाजर ही मेनली पड़ता है। इसी तरह हम अपनी सारी सब्जियों को घिस लेंगे। गाजर हमारी घिस चुकी है, अब हम शिमला मिर्च घिस लेंगे। अगर आप चाहें तो घिसने की बजाय इसे पतला पतला काट भी सकते हैं। हमारी शिमला मिर्च भी हमने घिस ली है, अब हम पत्ता गोभी का अपना घिस लेते हैं। हमें पूरी पत्ता गोभी यूज़ नहीं करनी है, हम इसमें जितनी आप चाहें उतनी डालें, जितना आपको मोमोज बनाना हो। आप देख सकते हैं हमारी सारी सब्जियां हमने घिस ली हैं। तब तक हम सब्जियों के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। चलिए गैस को गरम ऑन करेंगे, पैन गरम करेंगे, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड का तेल डाल देंगे 2 टेबलस्पून। तेल थोड़ा गरम होने देते हैं। देख सकते हैं आप तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना अदरक जो हमने घिस कर रखा था वो डाल देंगे, और हरी मिर्च, इसे हमने हल्का सा टॉस कर लिया है। अब देख सकते हैं तड़का हमारा बन चुका है। अब हम इसे अपनी जो हमने सब्जियां घिस कर रखी थी उसमें डाल देंगे, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अपनी हरी धनिया पत्ती जो हमने काट कर रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सारी सब्जियों में हमने अपना तड़का डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से। चलिए अपना मैदा देखिए, हमारा डो भी सेट हो चुका है।
2 से 3 मिनट तक। तो अपने मैदे में से हम लोई निकाल लेंगे। छोटी छोटी लोई निकालनी है। चलिए एक एक करके अपनी लोइयों को बेल लेंगे हम। तो बाकी की लोइयां जो हमने काट कर रखी थी उसे ढक देंगे जैसे कि ये सूखे ना। तब तक चलिए इसे बेल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा सकते हैं आप। इसे पतला पतला बेलना है। तो अपनी चौथी लोई भी हम बेल लिए। तो चलिए इसमें हम अपना स्टफिंग जो हमने तैयार करी थी सब्जियों की उसे भर देते हैं। जितना आप भर सकते हैं उतना भरें इसमें और उसके बाद इसे बंद कर दें। थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स को पकड़ते हुए दबाना है। और फिर दूसरा कॉर्नर भी पकड़ के दबा देना है। ऐसे हम लेते रहेंगे और शुरू वालों के साथ मिलाकर उसे दबा देंगे। इस तरह हम बाकी बचे हुए जितना भी हमारा आटा रखा है उसको सबको इकट्ठा लेके ऐसे कर लेंगे। उसके बाद बीच में सबको इकट्ठा करके अच्छे से दबा देंगे। देख सकते हैं आप एक बन चुका है। इसी तरह हम बाकी अपने सारे मोमोज तैयार कर लेंगे बनाकर। चलिए इसे भी बंद कर लेते हैं जैसे हमने पहले वाले को किया था। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 मोमोज अपने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अपने कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं जब तक हम ये पका लेंगे। जब तक ये पकेंगे हम और अपने मोमोज बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और इसे एक उबाल आने तक ढक के रख देते हैं। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम चलिए और लोइयां बेल लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुकर ना हो तो आप एक कोई भगोनी लें, उसमें पानी गर्म करने के लिए रखें जैसे इसमें हमने रखा था, और इस उसके ऊपर कोई भी जाली वाली थाली या फिर जाली वाला बर्तन कोई भी ऊपर रख के तेल लगाकर उसको नीचे से तले में और उस पर भी अपने मोमोज पका सकते हैं ढककर। वो भी बिल्कुल आसानी से पक जाएंगे। चलिए इसी तरह हम सारे मोमोज अपने बंद कर लेते हैं बनाकर। तो हमारा ये कुकर प्री हीट हो चुका है, इससे भाप भी आ रही है। चलिए अपने मोमोज जो हमने भरकर तैयार किए थे उसे इसमें रख देते हैं आराम से। सभी पीस हमने अच्छे से रख दिए हैं और इसे हम 5 से 6 मिनट तक के लिए ढककर पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए कुकर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज हो गया है और ये बड़े भी हो गए हैं पहले से थोड़े। तो चलिए इन्हें निकाल लेंगे हम। और ये है और वो है। अब देख सकते हैं ये अच्छे से पक गए हैं। अब देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक गया है और बड़े भी हो गए हैं पहले से, और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए इन्हें प्लेट पर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही
टेस्टी लग रहे हैं, अपने चटनी के साथ खाएं। मैं मोमोज की चटनी बनाने की रेसिपी अपने चैनल पे डाल दूँगी, अब वहाँ से देख सकते हैं। ये मोमोज हमारे तैयार हो गए हैं, अपने खाएं और अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, अपने मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे आगे के और भी वीडियोस ऐसे ही जो मैं बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।